में कितनी गाली दी जा सकती हो, गाली दी गई मरे हुए माँ बाप को हमारे जितनी गाली दी जा सकती हो वो गाली, जितना चरित्र हनन हमारा किया जा सकता वो किया गया और उन लोगों ने किया जिन लोगों को एक खास जिंदगी से हटाकर अब से बहुत पहले यहां लेकर आए और जनता की शक्ल दी। अगर आप सच्चाई के साथ हालात पर नजर रखेंगे और जानना चाहेंगे तो यकीनन आपको इस बात की तकलीफ होगी कि मेरे साथ कोई वजह समझ में नहीं आती। लोग तो तालीमी इदारे खुलवाते हैं, अपने घर देते हैं किसानों के लिए, लेकिन ये हमारी नसीबी और मुल्क के सिस्टम की कमजोरी है जो बजाय इसके के पढ़ाने की कोशिश की जाए मुल्क में रहने वाले वो कमजोर लोग जो जाहिल हैं शिक्षित हैं उन्हें शिक्षित किया जाए, न कि उनको कान पकड़ के उठा लिया जाए, उन्हें मारा जाए, उन्हें दहशत जदा किया जाए, उन्हें खौफ जदा किया जाए, जेल के दरवाजे उनके लिए खोले जाए और बेगुनाह मासूम और नादान लोगों को जेलों में घुस किया है और भी जो इम्तिहान आने के बर्दाश्त करेंगे। हमें अंदाजा है बहुत ताकत से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ताकत, हम बहुत कमजोर हैं लेकिन इतने कमजोर भी नहीं है कि हम अपनी बात को मजबूती से कह सकें। बात को मजबूती से कहेंगे और इतनी मजबूती से कहेंगे कि पूरा मुल्क हमारी आवाज सुने। हम कुछ नहीं दे सकेंगे लेकिन आपकी नुमाइंदगी मजबूती के साथ पूरी दयारत के साथ करेंगे। जिंदा कौमें इज्जतों के लिए जीती है और वो लोग जो घोड़ों की नंगी टापों पर बैठकर जिंदा रहे हो उन्हें जीने का सलीका आता है, उन्हें मरने का हुनर भी आता है, सिर्फ जीना ही नहीं जानते हैं मरना भी जानते हैं और न जाने कितनी बार मौत सामने खड़ी हुई है लेकिन कभी मौत से मुंह नहीं मोड़ा। आप सबको जो सारा दिन रोजे के आलम में वहां आपके वोटों की गिनती और हिफाजत करते रहे हैं, आपकी ये जीत कम से कम 3-3.5 इनाम की बात लेकिन नहीं हो सकती। सब कुछ हुआ बहुत टूट हुई आपके वोटों की, मेरे कमजोर और बेगुनाह लोगों पर बहुत पुलिस के डंडे बरसाए गए। शायद ही कहीं मुल्क भर में ऐसा हुआ हो कि चुनाव से एक दिन पहले जिस तरह शौकिया पुलिस ने मारा, दुकानदारों को मारा, खरीदारों को मारा, सड़कों पर चलने वालों को मारा, ये लोकतंत्र के माध्यम पर ऐसा सियाह दाग है जो शायद आने वाले सैकड़ों साल तक मिट नहीं सकेगा कि रामपुर के कमजोर लोगों के साथ ताकतवर लोग होने जाए। ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने अंग्रेजों और नवाबों की गुलामी तक सही है और इन जमीनों ने, इन सड़कों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने नवाबों के जुल्म सहे, हमारे एजाज ने वो जुल्म भी बर्दाश्त किए और उनके जुल्म के खिलाफ भी आप आहिनी दीवार बन के खड़े हुए और नतीजा ये हुआ कि आपने जुल्म के एक एक अक्षर को मिटा कर रखा। वक्त बदलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के 2.25 बरस निकल गए मालूम भी नहीं हुआ, 2.25 बरस और निकल जाएंगे मालूम नहीं होगा। तैयारी करो इस बात की और हमारी भी ये कोशिश होगी अपने पार्टी के जिम्मेदारों से ये समझाने की कि हम गलत फहमियों के दरवाजे बंद कर दें और मेहनत का रास्ता इख्तियार करें।
जिन लोगों ने ये सोच लिया होगा कि गठबंधन का टिकट मिल गया, वो सब अब जीत गए। बाहर के लोग आते थे और ये कहते थे कि इलेक्शन लड़ना और लड़ाना सीख, कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है और कैसे इलेक्शन लड़ाया जाता है। पूरी सरकारें लगी हुई थी, सारा प्रशासन लगा हुआ था हमें बर्बाद करने के लिए, लेकिन सियासत के 40 साल के तजुर्बों ने आपको कहीं भी किसी इम्तिहान में नाकरत अंदेशी से काम लेता, अगर मैं जरा से भी ना तजर्बेकारी से काम लेता और मैं अपनी अना को सामने रखता कि मैं इतना पुराना सियासतदान, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे नौजवानों, हो सकता है तुम में से बहुत से आज हमारे साथ में, आपके साथ बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, उस साजिश से बचे हो आप और हम सब इस मैदानी जंग में जिंदा है, हमारी ये सबसे बड़ी कामयाबी। आवाज दो, इस लड़ाई को हमने जिंदा रहते हुए जीता है और जिंदा है, और जब जिंदा है तो लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हौसला छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 साल के बाद फिर इम्तिहान है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस इम्तिहान में सिर्फ कामयाबी। अल्लाह वालों की, धर्म वालों की, ईमान वालों की, वाहेगुरु वालों की होगी और जुल्म का पर्दाफाश होगा और एक फिर आपको खुश होने और अपनी कलियां खिलाकर फूल बनाने का मौका। तमाम उन साथियों का, दारुल अवाम का, समाजवादी पार्टी का, और जिन्होंने 24 घंटे मेहनत करके, उन सबके नाम जानते हो आप, जिन्होंने किस मेहनत के साथ, बगैर उजरत के, बगैर कुछ पाए, आपको ये जीत दिलाई है। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, जीत की खबर के बाद आपने मेरे चेहरे पर खुशी के आसार नहीं देखे, इसलिए कि हमारी ये खुशियां बहुत को मिलाई हुई है। हमारी खुशियों के पीछे जो कामयाबियां होना चाहिए वो नहीं हो सकी, लेकिन यकीनन इसमें भी मालिक की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बस इतना जान लो कि मालिक न करे अगर आप आज ये सीट हार गए हो क्या होता है, सोचो। अगर आप ये सीट हार गए होते तो क्या होता, क्योंकि ये सीट हारते नहीं आप हराई जाती, क्या होता, कैसी मायूसी और कैसा सन्नाटा होता। आज आप सुरखरू हो, ये छोटा सा जिला यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा है। हम रामपुर नहीं जीते हैं, हम हिंदुस्तान जीते हैं, और यहां से जो आवाज उठी है वो हिंदुस्तान तक पहुंची है, इसलिए ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये हार भी हमारे लिए जीत है और हम इसे आइंदा अपनी मेहनत से जीत में बदल करेंगे। आप सब थके हुए हैं, मैं सबसे कम थका हुआ हूँ, इसलिए आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। जल्दी इंशाल्लाह शुक्रिया का जलसा यहाँ भी करेंगे, स्वाग में भी करेंगे, टाटा में भी करेंगे, शाहबाद में भी करेंगे, जहाँ जहाँ हमने बड़े जलसे किए हैं वहाँ हम सब जगह जीत के जलसे करेंगे और हम सब लोग सबकी खुशियों में इंशाल्लाह शरीक होंगे। जरूरी नहीं होता कि सरकारें बन जाएं और हम वजीर बन जाएं, कहां जरूरी है, मेरी सरकार तो मेरे सामने खड़ी है। हमें वजारत से क्या लेना, हम वजारत में भी बहुत मेहनत करते हैं, चलो कुछ सालों के लिए थोड़ी
आराम की सियासत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी सरकार कभी हमेशा मौसम एक नहीं रहते, आज गर्मी है, हवाएं गर्म है, कल इंशाल्लाह ठंडी हवाएं। मोहम्मद आजम बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम अल्लाह बोल। अब तो बात ला रहे हो।